हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रोजगार देने में मनमोहन सरकार से पीछे मोदी सरकार, पिछले दो वर्षों में जॉब ग्रोथ ने पकड़ी रफ्तार। साल 2019 का लोकसभा चुनाव नजदीक है और इन दिनों केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पिछले 4.5 सालों के दौरान किए गए कामकाज का विश्लेषण किया जा रहा है। विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार को जिस मुद्दे पर घेरने की योजना बना रही है उनमें बेरोजगारी का मुद्दे टॉप पर है। दरअसल मोदी सरकार पर आरोप है कि अपने कार्यकाल के दौरान सरकार उम्मीद के मुताबिक रोजगार पैदा करने में नाकामयाब रही है। अब लाइव मिंट की एक रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि हुई है कि मोदी सरकार रोजगार देने के मामले में पिछली यूपीए सरकार से पीछे है। मिंट ने सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के प्रोविस आईक्यू डेटाबेस का अध्ययन कर एक रिपोर्ट तैयार की है। इस डेटाबेस में विभिन्न कंपनियों द्वारा दी गई वार्षिक रिपोर्ट है जिनके आधार पर ये पता चला है कि केंद्र की मोदी सरकार रोजगार देने के मामले में पहले की मनमोहन सिंह सरकार से काफी पीछे है। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 2 सालों में रोजगार देने के मामले में थोड़ा सुधार हुआ है। साल 2015-16 में जहां मोदी सरकार के कार्यकाल में रोजगार की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई, वही साल 2017 में इसमें 4% का उछाल आया। हालांकि साल 2018 में ये घटकर 3% पर आ गया है। इस तरह भाजपा सरकार के कुल 4 सालों पर नजर दौड़ाई जाए तो ये औसत प्रगति सिर्फ 1.9% रह जाती है। वही दूसरी तरफ यूपीए की मनमोहन सिंह सरकार में साल 2006 से 2009 तक औसत जॉब ग्रोथ 3.5% थी। साल 2010 से 2014 की यूपीए कार्यकाल में भी औसत जॉब ग्रोथ 2.6% रही, जो कि मौजूदा सरकार से बेहतर है। रिपोर्ट के अनुसार मध्यम वर्ग की कंपनियों में जॉब ग्रोथ में कमी देखी गई है। मोदी सरकार में मजदूरी वृद्धि काफी कम रही है। वित्तीय वर्ष 2006 से 2009 के बीच जहां देश में मजदूरी वृद्धि 21% रही, वहीं पिछले 4 सालों के दौरान ये घटकर 8% पर आ गई है। विभिन्न जॉब सेक्टर्स की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग में पिछले 1 दशक के दौरान उछाल आया है, वहीं माइनिंग के क्षेत्र में जबरदस्त गिरावट आई है। इसी तरह विनिर्माण के फील्ड में ग्रोथ देखी गई है तो सेवा क्षेत्र में खास ग्रोथ नहीं हुई है। इस तरह कह सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में कॉर्पोरेट सेक्टर में मिली जुली ग्रोथ हुई है। राफेल डील पर मध्य प्रदेश में दहाड़े मनमोहन, दाल में जरूर कुछ काला है। राफेल सौदे का मामला चुनाव का अहम मुद्दा बना हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बुधवार को मध्य प्रदेश के इंदौर में केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राफेल डील पर देश में उहापोह की स्थिति बनी हुई है। मोदी सरकार से विपक्षी पार्टियां और कई राजनीतिक समूह मीटिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार तैयार नहीं है। इससे पता चलता है कि इस सौदे में जरूर दाल में कुछ काला है। मध्य प्रदेश में 28 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं। एक तरफ जहां यहां राजनीतिक पार्टियों का जमावड़ा लगा हुआ है, वहीं राम मंदिर से लेकर राफेल डील तक बयानबाजी का दौर भी तेज होता जा रहा है। इंदौर में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भाजपा सरकार पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी ने देश में हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन वो अपना वादा पूरा करने में नाकाम रहे हैं। अगर श्रम विभाग के आंकड़ों को खंगाले तो पता चलता है कि पिछले 4 वर्षों में हर तिमाही में महज कुछ हजार ही नौकरी मिल सकी है। यही नहीं, मौनी कही जाने वाले मनमोहन सिंह ने राज्य की शिवराज सरकार को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसान बेहाल है, लोन फसल और सुविधाएं नहीं मिलने से किसान की स्थिति दयनीय बनी हुई है। राज्य सरकार ने किसानों की समस्या पूरा करने में नाकाम रही है। उन्होंने राज्य में हुए सबसे बड़े व्यापम घोटाले पर भी लोगों का ध्यान खींचा। डॉक्टर सिंह ने कहा, मोदी सरकार को ये बताना चाहिए कि उसने कौन से वादे पूरे किए। किसान कर्ज से मरता जा रहा है। मोदी सरकार ने हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन ये वादा जुमला बनकर रह गया। सीबीआई समेत अन्य बड़ी संस्थाओं पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश में व्यापम जैसा महाघोटाला हुआ। इस मामले से जुड़े 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी ने देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। नोटबंदी के दौरान लाइन में लगे कई लोगों को जान गंवानी पड़ी।
जिन मुद्दों को लेकर नोटबंदी की गई थी वो समस्याएं आज भी मौजूद है। मोदी सरकार पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार से लड़ने के वादे पर सत्ता में आई। उसका कार्यकाल समाप्त होने में कुछ ही महीने बचे हैं, लेकिन हम भ्रष्टाचार को सिर्फ बढ़ते हुए देख रहे हैं। किसानों की दुर्दशा का मुद्दा सबसे बड़ा है। उनको फसलों के उचित दाम नहीं मिलते, किसान कर्ज के नीचे दबते जा रहे हैं, जिससे खुदकुशी की वारदातें तेजी से बढ़ रही है। मनमोहन सिंह की बेटी बोली, मेरे पिता ने कभी कोई पद नहीं मांगा, बल्कि लोग खुद बुलाते थे। मेरे पिता ने कभी किसी पद के लिए आवेदन नहीं किया, बल्कि उनकी योग्यता के चलते लोग उनके पास आकर उन्हें अपने संस्थान में कार्य करने के लिए आमंत्रण देते थे। राजनीति में भी उनका यही स्टैंड रहा। अध्यापन, प्रशासनिक अधिकारी से लेकर राजनीति तक उनका सफर सादगी भरा ही रहा है। ये विचार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की पुत्री दमन सिंह ने अपनी पुस्तक स्ट्रिक्टली पर्सनल मनमोहन एंड गुरशरण पर चर्चा करते हुए व्यक्त किए। होशियारपुर लिटरेरी सोसाइटी की ओर से सरकारी कॉलेज में आयोजित समारोह दौरान दमन सिंह ने बताया कि उनके पिता के रोल मॉडल उनके स्कूल, कॉलेज व यूनिवर्सिटी के अध्यापक ही रहे हैं। वे अक्सर उनके बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं कि वे जो भी है अपने अध्यापकों के कारण है। इस दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जीवन के उतार चढ़ाव पर विस्तार से चर्चा की। दमन ने कहा कि उन्होंने अपने पिता के करियर को लेकर काफी कुछ इस पुस्तक के माध्यम से बताया है। पुस्तक में पिता के अकादमिक, राजनीतिक व प्रशासनिक जिंदगी के बारे में भी विस्तार से लिखा है। मैंने किताब में जितना पिता के व्यक्तित्व के बारे में लिखा है, उतना ही माता के बारे में भी बताया है। समारोह में प्रदेश सूचना कमिश्नर खुशवंत सिंह ने भी किताब पर लेखिका दमन सिंह के साथ चर्चा की। कैबिनेट मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा ने कहा कि होशियारपुर बहुत खुशनसीब है कि यहाँ से देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने न सिर्फ पढ़े है बल्कि पढ़ाया भी है। उन्होंने कहा कि जब पूरा विश्व मंडी का मार झेल रहा था, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह ही थे जिन्होंने भारत पर आंच नहीं आने दी और पूरे विश्व में भारत को एक नई पहचान दिलाई। इस दौरान उन्होंने होशियारपुर लिटरेरी सोसाइटी को 5 लाख रुपए की ग्रांट की घोषणा भी की। अनुपम खेर ने कहा, मनमोहन सिंह को लेकर मेरा नजरिया बदल गया है। दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर उनका परसेप्शन पूरी तरह बदल गया है। उन्होंने कहा, मैं पूरी ईमानदारी के साथ इस बात को स्वीकार करता हूँ। आपको बता दें कि अनुपम खेर ने मनमोहन सिंह पर आधारित अपनी नई फिल्म की शूटिंग हाल ही में पूरी की है। ये फिल्म पूर्व पीएम के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू द्वारा लिखी गई किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पर आधारित है। फिल्म का नाम भी यही रखा गया है। हमारे सहयोगी अखबार इकोनॉमिक टाइम से बातचीत में खेर ने कहा, यूपीए के शासन के दौरान हुए घोटालों को लेकर मेरे विचार नहीं बदले हैं। 2G कोयला घोटाला नहीं होना चाहिए था। भ्रष्टाचार के खिलाफ मूवमेंट रियल था, लेकिन मुझे लगता है कि मनमोहन सिंह की ईमानदारी पर सवाल नहीं उठाए जा सकते हैं। दिग्गज अभिनेता ने आगे कहा कि पिछले 1 साल में फिल्म की शूटिंग के दौरान पूर्व पीएम के बारे में जो भी उपलब्ध था वो पढ़कर और देखकर वो पूरी तरह से सिंह की कैरेक्टर में उतर गए थे। उन्होंने कहा, ईमानदारी से कहूं तो जब फिल्म का ऑफर मिला तो सिंह के कैरेक्टर को लेकर अलग विचार थे कि वो भ्रष्ट थे या भ्रष्ट लोगों को फलने फूलने दिया, लेकिन इतने महीनों में मेरा उनके प्रति नजरिया बिल्कुल बदल गया है। FTII अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। इस बीच अनुपम खेर ने एक अंतरराष्ट्रीय टीवी शो को लेकर अपनी प्रतिबद्धता का हवाला देते हुए भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान यानी कि FTII के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को भेजे अपने इस्तीफा में उन्होंने कहा कि शो को लेकर अपनी प्रतिबद्धता के कारण वो 2018 और 2019 के बीच तकरीबन 9 महीने तक अमेरिका में रहेंगे और फिर 3 साल से ज्यादा समय तक इतना ही समय वहां रहना होगा। उन्होंने अपने इस्तीफा पत्र में कहा है, इस प्रतिबद्धता को देखते हुए मेरे लिए छात्रों और प्रबंधन टीम के लिए ये ठीक नहीं होगा कि मैं सक्रियता से कामकाज में शामिल हुए बिना इस तरह की जिम्मेदारी और जवाबदेही वाले पद पर बना रहूं। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हासिल हुई थी दहाई अंक में विकास दर, कहते हैं रिपोर्ट्स।
देश की आर्थिक विकास दर का आंकड़ा 2006-07 में 10.8% रहा, जो कि उदारीकरण शुरू होने के बाद का सर्वाधिक वृद्धि आंकड़ा है। ये आंकड़ा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल का है। आधिकारिक आंकड़ों में ये जानकारी दी गई है। आजादी के बाद देखा जाए तो सर्वाधिक 10.2% आर्थिक वृद्धि दर 1988-89 में रही। उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा गठित कमिटी ऑफ रियल सेक्टर स्टैटिस्टिक्स ने पिछली श्रृंखला 2004-2005 के आधार पर जीडीपी आंकड़ा तैयार किया। ये रिपोर्ट सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट पर जारी की गई है। रिपोर्ट में पुरानी श्रृंखला 2004-2005 और नई श्रृंखला 2011-2012 की कीमतों पर आधारित वृद्धि दर की तुलना की गई है। पुरानी श्रृंखला 2004-2005 के तहत सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर 2006-2007 में 9.57% रही। उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। नई श्रृंखला यानी कि 2011-12 के तहत ये वृद्धि दर संशोधित होकर 10.08% रहने की बात कही गई है। वर्ष 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की अगुवाई में शुरू आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत के बाद ये देश की सर्वाधिक वृद्धि दर है। रिपोर्ट के बाद कांग्रेस पार्टी ने ट्विटर पर लिखा है, जीडीपी श्रृंखला और आधारित आंकड़ा अंततः आ गया है। ये साबित करता है कि यूपीए शासन के दौरान यानी कि औसतन 8.1% की वृद्धि दर मोदी सरकार के कार्यकाल की औसत वृद्धि दर यानी 7.3% से अधिक रही। पार्टी ने कहा, यूपीए सरकार के शासन में ही वृद्धि दर दहाई अंक में रही, जो आधुनिक भारत के इतिहास में एकमात्र उदाहरण है। रिपोर्ट के अनुसार बाद के वर्षों के लिए भी जीडीपी आंकड़ा संशोधित कर ऊपर गया है। राष्ट्र सांख्यिकी आयोग ने इन आंकड़ों के संग्रह, मिलन और प्रसार के लिए प्रणाली तथा प्रक्रियाओं को मजबूत करने हेतु उपयुक्त उपायों का सुझाव देने के लिए समिति का गठन किया था। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।